आईपीएल 2024 के प्लेऑफ से मुंबई इंडियंस की हुई विदाई, टी20 विश्व कप से पहले इन दो खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की टेंशन बढ़ाई। नमस्कार, इंडिया डेली लाइव के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भूपेंद्र। आईपीएल 2024 के ठीक तुरंत बाद यानी 1 जून से टी20 विश्व कप 2024 का आगाज होने वाला है, जिसमें टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा संभालेंगे, जबकि वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या को बनाया गया है। ये दोनों दिग्गज आईपीएल 2024 में बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या की, जिनके लिए ये सीजन किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि उनके पास मुंबई टीम को लीड करने की जिम्मेदारी थी। अपनी कप्तानी में उन्होंने पिछले सीजन गुजरात टाइटंस को फाइनल तक पहुंचाया था, उसके पहले सीजन चैंपियन बनाया था, लेकिन ये सीजन वो मुंबई इंडियंस के लिए कुछ कमाल नहीं कर सके। टीम 9वें नंबर पर है। इस सीजन मुंबई ने 13 मैचों में से 9 मैच गवा दिए हैं, सिर्फ 4 मैच ही ये टीम जीत सकी है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, हर तरफ उनकी आलोचना है। इसके बावजूद टी20 विश्व कप में इस खिलाड़ी को जगह मिलना कई खिलाड़ियों को पसंद नहीं आया, कई फैंस इससे निराश हैं। वो चाहते थे कि हार्दिक पांड्या की जगह और किसी खिलाड़ी को मौका मिले, जिसमें रिंकू सिंह और रियान पराग का नाम सबसे ज़्यादा सामने आया था। इसके बावजूद हार्दिक पांड्या टीम इंडिया में जगह बनाने में सफल रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिर पर टी20 विश्व कप है और हार्दिक पांड्या का फॉर्म बेहद ख़राब। उनके आंकड़े हैरान करने वाले हैं। आईपीएल 2024 के 13 मैचों में इस खिलाड़ी ने महज 200 रन बनाए हैं। उनका एवरेज 18 का है, जो बताता है कि टी20 फॉर्मेट में वो किस कदर खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। गेंदबाजी में भी हार्दिक पांड्या कुछ कमाल नहीं कर सके। 13 मुकाबलों में उनके नाम सिर्फ 10 विकेट है, जबकि ये वही हार्दिक पांड्या है जो पिछले सालों तक टीम इंडिया को लीड कर रहे थे, शानदार बॉलिंग करते थे, शानदार बैटिंग करते थे। लेकिन पिछले एक साल से इस खिलाड़ी को चोट ने परेशान किया। जब उन्होंने आईपीएल 2024 के जरिए वापसी की तो वो उस रंग में नजर नहीं आए जिसके लिए पांड्या अपनी पहचान रखते हैं। तो ये सब कुछ जो हमें दिख रहा है वो टीम इंडिया के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में जगह मिलना तय माना जा रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि वो वाइस कैप्टन है, तो उनका खेलना मुझे लगता है कि शिवम दुबे से ज़्यादा उनको प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी टेंशन टीम इंडिया के लिए ये है कि रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं। आईपीएल 2024 में रोहित शर्मा ने जिस अंदाज में शुरुआत की थी वो उसे लगातार कायम नहीं रख सके हैं। आखिरी के 6 मुकाबलों में रोहित शर्मा का फॉर्म बेहद बुरा है, उनके बल्ले से ज़्यादा रन नहीं निकले। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दिग्गज ने पिछले 6 मैचों में 57 गेंदों का सामना किया और महज 53 रन बनाए हैं। रोहित का ये फॉर्म टीम इंडिया के लिए इसलिए भी चिंता बढ़ा रहा है क्योंकि उनके ऊपर एक तो कप्तानी का दबाव होगा और दूसरा दबाव है वो है ओपनिंग का। टी20 विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में किसी भी टीम के लिए ओपनर बैट्समैन बहुत मायने रखता है। जिस तरीके से टी20 फॉर्मेट में शुरुआत मानी जाती है कि तेज शुरुआत होनी चाहिए, उसमें टीम इंडिया को थोड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अगर रोहित शर्मा का यही फॉर्म जारी रहा तो टीम इंडिया का विश्व चैंपियन बनने का सपना टूट सकता है। ऐसे में सभी फैंस ये दुआ कर रहे हैं, जिस तरीके से आईपीएल 2024 में ये दोनों दिग्गज खेले हैं उससे कहीं बेहतर टी20 विश्व कप में खेले, उनका फॉर्म वापस आ जाए, ताकि टीम इंडिया 2007 के बाद एक बार फिर टी20 विश्व विजेता बने। यही सबकी दुआ है। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ये दोनों